नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज भारतवर्ष में और जैन संप्रदाय में एक बहुत बड़ी क्षति अपने समाज में हुई है। पूज्यवर विदुषी आर्य का प्रशांतमती माताजी की समाधि होने से जैन समाज में और जैन संप्रदाय के विशेष हानि हुई है। जो जीवकांड और कर्मकांड ऐसे विषयों में प्रज्ञावान थे और अपने नाम के हिसाब से सच में ही शांत स्वभावी, सरल स्वभावी और अपने चर्या में दृढ़ रहने वाले दयासागर महाराज जी के शिष्य और जिन्होंने परम पूज्य गृहिणी का विशुद्धमती माता जी से ज्ञान पाया और आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के संग में रह के अद्भुत ज्ञान पाकर जैन धर्म के बहुत बड़ी प्रभावना कर रहे थे, जिनके प्रभावना के माध्यम से राजस्थान के बहुत सारे लोग धर्म से जुड़े थे। हाल में ही 1.5 महीने पहले पूज्यवर माता जी के चरणों में हम गए थे। राजस्थान कोटा में हम माता जी के चरणों में गए, वहां माता जी के पास बहुत सारी धर्म चर्चा हुई और माता जी ने अच्छा आशीर्वाद दिया और बोले कि धर्म की प्रभावना करिए। आज विशेष तौर पे माता जी के लिए विनयांजलि अर्पित करते हैं कि पूज्यवर माता जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी पूरी यादें हमारे साथ साथ रहेंगे। उन्होंने जो ज्ञान दिया है, जो धर्म प्रभावना करी है, उनसे उनका नाम अमर है, आगे भी उनका नाम रहेगा। सच में एक आर्य गांव में प्रभावशाली आर्य का माता जी रह चुके हैं और सभी आर्य गांव को, बल्कि सभी जैन समाज को उनका आदर्श लेना चाहिए। और ऐसे पूज्यवर आर्य का माता जी हमारे बीच में नहीं रहे, इसका अफसोस तो सब पूरे समाज को है, लेकिन जो आया है उनको जाना पड़ेगा। किंतु पूज्यवर माता जी की समाधि हो गई अत्यंत सरल स्वभाव से, शांत स्वभाव से, जिन्होंने अपना देह का त्याग किया है। ऐसे पूज्यवर आर्य का माता जी आगे जाके मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो, आगे वो मोक्ष को प्राप्त हो, यही हमारी मंगल भावना है। और माता जी के चरणों में बार बार वंदामी करते हुए यही भावना भाते हैं कि आगे जाके माता जी का भी मोक्ष हो और हमें भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जब लोग पूज्यवर विदुषी आर्य का प्रशांतमती माता जी की जय।